सिक्योर रिनेक्स नया अफराद सिक्योर रिनेक्स नया अफराद सैफू हम पे जुल्म बंद करो राजा रियाज मुर्दाबाद राजा रियाज मुर्दाबाद राजा रियाज मुर्दाबाद सैफू सैफू मुर्दाबाद सैफू फराडिया मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन पहले दिन से हमारा जो स्टांस था कि पाकिस्तान में जितनी भी ऐसी कंपनीज आती हैं जो आपको बड़े मुनाफे का बड़े इनाम का लालच देती हैं उन्होंने एक दिन स्कैम करना होता है। माजी में देख ले कितनी कंपनी आई कितनी कंपनी की, उसके बाद दोबारा B4U एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो मोसने पाकिस्तान थे लालची लोगों के, और जो एक नौसरबाज़ है जिसको मैं राजा रियाज का नाम लकब दूंगा, राजा रियाज, वो कहते थे कि ये 2 नंबर मलिक रियाज है। मैं बात कर रहा हूँ सैफुर रहमान खान नियाजी की, जिसके खिलाफ ऑलरेडी नैब ने रेफरेंस भी दायर किया हुआ है, उन पर फर्द जुर्म आयद होना है। लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में KP से कुछ B4U के मुतासरीन यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो प्रोटेस्ट किया था एहतसाब अदालत के बाहर प्रोटेस्ट किया था, अब ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देख रहे हैं, इन्होंने बैनर्स भी लगाए हुए हैं, प्ले कार्ड भी उठाए हुए हैं, और इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, लाहौर से भी कुछ लोग आए हुए हैं, KP से भी आए हुए हैं, इनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो पैसे लिए गए हैं वो पैसे हमें वापस दीजिए, क्योंकि अब एक नए रूप में एक नए फ्रॉड के साथ सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने सिक्योर रीनेक्स की एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का मालिक लंडे का किन है कि जो 50-60 रुपए में एक और 100 रुपए में 2 आपको हर बाजार से मिल जाएगा। किसी को मालूम नहीं कि सिक्योर रीनेक्स का मालिक कौन है। एक कैन नामी बंदा बनाया गया, वो कैन कौन है ये राजा रियाज को खुद भी मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मुतासरीन है जो इतना लंबा सफर करके आए हैं, इनसे जानेंगे, इनके जज्बात जानेंगे कि राजा रियाज इनके जज्बात से खेलता है। और अभी भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन राजा रियाज ने फिर एक वॉइस नोट किया कि ये तो सिर्फ चंद लोग हैं। तो राजा साहब, कतरे कतरे से दरिया बनता है, अब ये दरिया कितना बड़ा बनेगा ये आने वाले वक्त में साबित भी होगा। जुबैर खान जो लीड कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को, खान साहब क्या कहेंगे सैफुर रहमान खान नियाज़ी से? कोई उम्मीद है पैसे वापस मिलेंगे? और आप तो उस कमेटी का हिस्सा थे सिक्योर रीनेक्स की, तो आपने वो कमेटी क्यों छोड़ी? क्या वजह, कहीं दोबारा वो फ्रॉड ही कर रहे हैं? सर, जब हम उनके साथ मिले तो मैं इस चीज़ के खिलाफ था, ऑनलाइन बिजनेस के ही मैं खिलाफ था, लेकिन उन्होंने 6 लाख खानदानों का वास्ता दिया, 5 लाख का, एक्चुअली ये 5-6 लाख है ही नहीं, 2 या 2.5 लाख कितने भी जो है। तो मैंने उनके साथ एग्री किया और मैंने इस शर्त पर एग्री किया कि आप हमको कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का लाइसेंस नंबर जो तुर्की से रजिस्टर हो या सर्टिफिकेट हो और उसका बिजनेस किया है ये बताएंगे, और फिर उसके बाद आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट लिखेंगे कि अगर किसी को 1 रुपए का भी नुकसान हो गया, जितने भी लोग B4U से सिक्योर इंडेक्स में जाएंगे आप उसके गारंटर होंगे। तो उसने उसी टाइम हम ही भर ले और बोलते हैं कि ठीक है हमारी वीडियो भी जारी हो गई, लेकिन जब हम उनको बता रहे थे कि हमारे साथ आप एग्रीमेंट लिखे तो वो तारीख पे तारीख दे रहा था, और जब भी हम उनको बोलते थे तो फिर वो सक्रोज, आयरन सक्रोज का इंजेक्शन का इन्फ्यूजन लगा के लेट जाता था और बोलते थे कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो आखिरकार उन्होंने टाइम दिया 30 तारीख, फिर 30 के बाद 14 वर्किंग डेज, फिर 25 तारीख, लेकिन कंपनी नहीं खोली। और आखिरकार जब मैंने राजा रियाज साहब के बारे में मालूमात की, जब वो बोल रहा था कि मैं तुर्की गया हुआ हूँ और उधर मैंने कंपनी की जो बुनियाद रखी हुई है और सब कुछ हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, तो जब मालूमात हो गई तो राजा रियाज तुर्की गया ही नहीं था। और जब मैंने ये बात की तो उन्होंने मेरे पीछे प्रोपेगेंडा शुरू किया और मैंने उनको बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बेनकाब किया, एक्सपोज, मेरा एक दावा है, वॉच टाइम्स का एक दावा है कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो वो उसकी आवाज़ बंद कर देता है, उसको पैसों का लालच देता है। क्या सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने, जिस तरह आपने आवाज़ बुलंद की, आपको लालच दिया आपका मुंह बंद करने के लिए, कोई उसने आपको ऑफर की? जी सर, बिल्कुल। जब हम लाहौर मीटिंग में थे तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे और उन्होंने बताया कि ये लोग मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने बताया कि आप अपने पैसे लेके साइट पे हो जाइए। तो फिर मैंने उधर टेक्निकल दिमाग यूज़ किया और मैं उनको बोला कि नहीं, मैं अपने पैसे वापस नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही आपसे साइट पे हो जाता हूँ। तो उनको मालूम था कि मैं साइट पे होने वाला नहीं, और बातचीत हो गई। तो मैंने उनको बताया कि आपके लीडर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो हम कैसे करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, लीडर ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग अभी सिक्योर रीनेक्स का ढोंग रचा रहे हैं, आप क्या ये समझते हैं कि उन लोगों को सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने खरीद लिया है? जी बिल्कुल, लग ऐसा है कि उनको खरीद लिया गया है, क्योंकि उनका जो बयानिया है एकदम चेंज हो गया। अभी हमने किसी को देखा तो नहीं है कि उसमें पैसे लिया है, लेकिन जो बयानिया चेंज हो गया तो सिर्फ मेरा नहीं बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि उनको पैसे मिल गए हैं। जी जैसे जुबैर खान कह रहा है बयानिया चेंज हो गया, बयानिया से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून का 2018 में बयानिया था वोट को इज्जत दो, उनको इकतदार मिल चुका, उनका बयानिया चेंज हो गया। इसी तरह B4U के जो मुतासरीन थे, जिन जिनका बयानिया चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने पैसे ले लिए। यहाँ पे कुछ और भी नौजवान है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यार कहाँ से आए हो, कितनी इन्वेस्टमेंट है और क्या समझते हो कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी वाकई ही फ्राडी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आया हूँ और मेरी जो ज़ाती इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 18 लाख है और इसमें कोई शक नहीं है कि सैफुर रहमान खान एक फ्राडी आदमी है, नौसरबाज है और उसने कई लाख खानदानों को धोखे में रखा हुआ है और सबकी जो लालच दे के लोगों का पैसा आता है। तो हमारी यही अपील है तमाम अदारों से कि हमारा पैसा जो है हमें वापस करवाया जाए। जैसे हम नहीं कह रहे, अब तो मुतासरीन भी उठ चुके हैं कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी वाकई ही फ्राडी है। या बैनर देख लें, इस बैनर के ऊपर लिखा है अदालत से गुजारिश है कि हमारे खून पसीने की कमाई वापस करवाए, हमें सैफुर रहमान की नहीं भूखे बच्चों की फिक्र है। जबकि राजा रियाज दावा करता है कि हम 5 लाख खानदानों के कफील हैं। वो कौन से 5 लाख खानदान हैं, वो कौन सी कमेटी है कि जो सिर्फ सैफुर रहमान खान नियाज़ी के गुण गाती है या राजा रियाज के गुण गाती है? जुबैर खान साहब कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। जी सर, इधर आप आज अगर देखते तो हजारों में लोग होते हैं, लेकिन लोगों को डराया गया कि मुहर्रम का महीना है, उधर दफा 144 लगा हुआ है और पुलिस वाले गोलियां चला सकती हैं, आंसू गैस इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम इधर आए तो बिल्कुल सब कुछ हमने बहुत मुख्तलिफ ही पाया। इस्लामाबाद पुलिस को हमने इतना फ्रेंडली पाया कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि जो हमें बताया गया था ये वही पुलिस है। आप लोगों ने खुद देखा कि उन्हीं पुलिस वालों ने हमारे लिए गाड़ियाँ अरेंज की, प्रेस क्लब तक अपने ही गाड़ी में लेकर आए और हमें बताया कि आपको जिस टाइम भी किसी भी यानी हेल्प की जरूरत हो तो हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं और हम मजलूम का साथ देंगे, जालिम का नहीं देंगे। जी जैसे ये जुबैर खान ये भी कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि राजा रियाज ने वॉइस नोट किया था कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये आपके सामने ये मुतासरीन, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अभी एक और शख्सियत से मिलाऊंगा जो राजा रियाज के बहुत ज्यादा गुण गाते थे, उनके लिए राजा रियाज सब कुछ था कि राजा रियाज के हवाले से कोई भी बात करता था तो ये आग बगोला हो जाते थे। और मेरा ये दावा है कि राजा रियाज के बगैर इनका नवाला भी हलक से नहीं उतरता था। आज ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फवाद इनका नाम है। फवाद साहब क्या कहेंगे, कितना टोपी ड्रामा खेला जाता रहा, कितना आपको बेवकूफ़ बनाया जाता रहा? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो हम राजा रियाज और सैफुर रहमान के बिल्कुल उसके सिफात बयान करते थे लोगों को, क्योंकि हमें उस वक़्त पता नहीं था। और ताहिर नज़ीर भाई, उस्मान भाई के खिलाफ भी हमने बहुत ग्रुप भी बनाए थे, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा गालियाँ भी उनको दी है, अल्लाह माफ़ करे उनसे। फिर हमने माफ़ी भी मांगी थी क्योंकि उस वक़्त हमें समझ नहीं आ रहा था। बाद में हमें पता चला कि कंपनी वाले जितने भी लीडर टॉप के लीडर है, ये जो उनके गुण गा रहे हैं, पालिशी है और जो उनके साथ दुम हिलाते हैं, वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पिछले माजी में सारे कंपनियों में लोगों को लूटा है, आगे भी लूटेगा। और जो अभी हमारे पैसे लगे हुए हैं हक हलाल के, वो हमें वापस कर दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जी जैसे ये आपने सुना कि जो हमारे मुखालिफ था आज वो हमारे हक में आ गया। ये एक बैनर आपको पढ़वाता हूँ, हम पाकिस्तानी कौम है और हमें पाकिस्तानी इदारों पर पूरा एतमाद है। जो लोग ये दावा करते हैं कि नैब पैसे वापस नहीं करती, ये आप मुतासरीन देख लें। हम अदलिया, नैब और दीगर तमाम मुतलका इदारों से गुजारिश करते हैं कि B4U मुतासरीन को जल्द अज जल्द अपने हकूक अपने वापस दिलवाने में किरदार अदा करे। B4U मुतासरीन बन्नू KPK, ये KPK से अभी कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, सैफुर रहमान खान नियाज़ी ने जो फ्रॉड किया, उम्मीद है आपको पैसे वापस मिलेंगे? सर जी, मुझे तो ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि तकरीबन 1 साल से ये केस चल रहा है और हल भी नहीं हो रहा है। हम नैब से भी मुतालबा करते हैं कि इस 5 लाख खानदानों को इस जुल्म से निजात दिलाए, क्योंकि कब तक हम हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। क्योंकि 5 लाख खानदान जो है ना बेबस हो चुके हैं। घरों के घरों तकरीबन 5 लाख खानदानों के घरों में ना तो आटा है ना चीनी है, लोग भूख से निराल है और मर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये बुजुर्ग है, इसके 2 नवासे हैं, जो बच्चे हैं, ये जो पाँव से भी मजदूर है और ये हमारे इलाके का है, ये भी अपना हक मांगने के लिए आया है। और हम भी तब तक के लिए हम अपना हक लेते रहेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता। जैसे ये आपने सुना, अभी इन बुजुर्ग की तरफ तो जाएंगे, लेकिन आपको मैं एक बात दोबारा दावे से करता हूँ कि ये जो पोंजी स्कीम चला रहे होते हैं, इनकी टारगेट मार्केट या तो केपी होता है या जनूबी पंजाब। उसकी वजूहत मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केपी के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जनूबी पंजाब के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। ये जो नौसरबाज होते हैं, शीशे में उतारने का फन जानते हैं, आवाम को शीशे में उतारते हैं, उसके बाद अयाशी मारते हैं आवाम के पैसों पे, और फिर बाद में कहते हैं जी हमें तो नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब इस वजह से गिरफ्तार करता है कि आप गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं। आपके पास अगर मुजारबा का लाइसेंस होता तो कभी नैब आपके खिलाफ रेफरेंस दायर ना करता। ये बुजुर्ग भी बन्नू से आए हैं, क्या कहेंगी सैफुर रहमान खान नियाजी को किन अल्फाज से आप याद करते हैं? ये इसको उर्दू नहीं आती, पश्तो आती है, पश्तो में बात करें यार, पश्तो में करो। सैफुर रहमान नो ये कोशिश पैसे वेदी बिया ऐसा पाते ना, कला इमाम या सत्ता होगा कि कला द्विम या सत्ता का द्विम या सत्ता बाद वेसी वो सब पाते ना लगी। इसके 2 बच्चे बिल्कुल पैरालाइज है, मजदूर है, उठने फिरने के बिल्कुल काबिल नहीं है। और इसकी मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ और सैफुर रहमान को बेच भी चुका हूँ। जी ये देख ले, अब जिस तरह मैंने कि पढ़े लिखे ना होने की बात की, ये सबूत है कि ये एक बुजुर्ग जो उर्दू भी नहीं जानते, लेकिन इन नौसरबाजों ने कैसे शीशे में उतारा वो फन वो बेहतर जानते हैं। ये एक और यहाँ पे शेख शहजाद साहब खड़े हैं, इनसे पूछते हैं शेख साहब कहाँ से आए हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इदारों से क्या मुतालबा करते हैं, सैफुर रहमान खान नियाजी को किन अल्फाज से याद करते हैं? मैं लाहौर से आया हूँ और इन्वेस्टमेंट मेरी बहुत ज़्यादा है। ये चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं। सिर्फ अपने एक रिश्तेदार था हमारा शेख शामी, ठीक है, उसकी बातों में आए हैं। उसकी बातों से बाद में हमने सैफुर रहमान से रब्ता किया है, उसने हमें तसल्ली दी है। तसल्ली देकर हमें उसने तसल्ली दे के हमें फंसाया गया है। अब जब हमने उनसे जब उनकी कातों का पता चला कि ये हमारा रिश्तेदार जो उनसे हैं वो भी हमें धोखा दे रहे हैं और सैफुर रहमान उनका किंग है, ठीक है, तो हमने इन्हें सोल्ड कराए हैं, अपने अपने जो से ना सोल्ड करा लिए थे, हमने सोल्ड कराए हैं तो तकरीबन एक 99 लाख रुपया सोल्ड कराया था। बाकी अभी हमारे तकरीबन कोई 100 मेंबर और है जिन्हें हमें अभी सोल्ड नहीं हुए। तकरीबन हमारा का 2-2.5 करोड़ रुपया है इसकी तरफ, वो जो से सोल्ड कराए उसमें से 20 लाख रुपया इसने हमें मौके पे दिया है। और उसके बाद उसने वादा किया जी हम आपको दे रहे हैं तो आप ज़रा सब्र कर लें। इदारों से क्या मुतालबा? इदारों से यही मुतालबा है कि ये हमें पेमेंट लेकर दें और पूरी लेके दें। ये नैब वाले ये ना करें कि लो जी ये आधी आपको प्रॉफिट आ गया, ये हो गया, वो हो गया। वो हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं था और ना उनका कोई एग्रीमेंट है हमारे साथ। उन्होंने कहा था 6 महीने के बाद पेमेंट हम पूरी देंगे आपको, जो सा मर्जी निकाल लें 6 महीने के पेमेंट टाइम के बाद। तो हमने जब निकालने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने हमारे अकाउंट सब बंद कर दिए। सैफुर रहमान खान नियाजी को किस नाम से याद करते हैं? फ्राडिया के नाम से। नाजरीन ये शेख साहब हैं, वो उस जाली इमाम मस्जिद के डसे हुए हैं जिनका मेरा दावा है कि वो जाली इमाम मस्जिद है, क्योंकि जिसके दिल में कुरान हो, जिसके सीने में कुरान हो, वो कभी फ्रॉड नहीं करता। और ये शेख मोहम्मद साकिब शामी जो शेख शामी के नाम से मशहूर है, उनके डसे हुए हैं। ये भी सिर्फ एक प्रोटेस्ट, आज इस वजह से इतने कम लोग हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख ले आज सैफुर रहमान खान नियाजी की तारीख नहीं थी और ये लोग नैब कोर्ट में गए। अब इनका ये भी कहना है कि 5 सितंबर को इससे 2 से 3 गुना जायद जो B4U के मुतासरीन हैं वो आएंगे। और यहाँ पे ये लोग दरखास्तें भी साथ लेके आए हैं। इन्होंने इसके बाद नैब के ऑफिस जाना है, वहाँ पे क्लेम ये सबमिट करवाएंगे, क्योंकि मेरा फिर दोबारा से दावा है कि सिक्योर रीएनेक्स के नाम से जो फ्रॉड किया जा रहा है खुदारा उसमें मत फंसे। क्योंकि अगर आप मलिक नवीद की बात करते हैं तो मलिक नवीद को ऑलरेडी नैब ने नोटिस जारी कर दिया है। अब मलिक नवीद भी छुपता फिर रहा है, उसने नून लीग की छतरी ले ली है क्योंकि उसको सियासतदान बनने का बहुत शौक है। और सियासतदान इसी तरह बनेगा, जब वो छोटे छोटे फ्रॉड करके आगे निकलता है तो फिर सियासतदान जब बड़ा फ्रॉडी बनता है तो वो आपके सामने है। अब देखते हैं कि B4U के जो मुतासरीन हैं इनकी दरखास्तों के ऊपर नैब क्या एक्शन लेता है। क्या सैफुर रहमान खान नियाजी ने जो एक दूसरा स्कीम शुरू किया है सिक्योर रिएक्स के नाम से। इस हवाले से नैब हरकत में आता है सैफुर रहमान खान नियाजी की दरख्वास्त जमानत खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाता है या नहीं। अगले प्रोग्राम में बहुत सी और चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।